like, subscribe. Hi friends, welcome to Achievement Mindport. Today in our session we're discussing about High Court Judicial Direct Recruitment की notification आई है, उसके बारे में आज हम सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन इसके रिलेटेड होगा जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, जो कि डीपली आपको वहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, यानी कि सभी प्रकार की जो जो डिटेल्स आपको चाहिए, वैकेंसीज, पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली है, एंड नेक्स्ट सभी एज क्राइटेरिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट सेशन में मिलने वाली है। तो जो इस सेशन में न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो नेक्स्ट सेशन की, हम नेक्स्ट सेशन जब भी अपलोड करेंगे अब तक पहुँच जाएगा। हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड शेयर विथ इन योर फ्रेंड्स ताकि सभी को इसकी नोटिफिकेशन की बेनिफिट मिले। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अचीवमेंट माइंड पावर से आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा ताकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, एंड नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे, एंड सभी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। तो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करना भी ज़रूर करिए, मत भूलेगा। एंड चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि 3 मार्च 2022 जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 3 के पोस्ट, यहाँ पर तेलंगाना जुडिशियल मिनिस्ट्रल सर्विस से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये तेलंगाना में ओवरऑल तेलंगाना के लिए ये एप्लीकेशन रिलीज हुई है। एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन द कैरिंग पे स्केल 32,810 से लेकर 96,890 तक यहाँ पर का पे स्केल होगा, यानी कि इस पोस्ट का पे स्केल होगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल इन द हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप सभी प्रोसेस, नोटिफिकेशन की सभी प्रोसेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, एंड वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ये रिलीज़ हो चुकी है जो कि 3 मार्च को, एंड ये लास्ट डेट है इसका 4 अप्रैल 2022 को, यानी कि 1 मंथ का यहाँ पर आपको अप्लीकेशन फिल करने का अप्लीकेशन फिल करने के लिए 1 मंथ का टाइम है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। द लास्ट डेट सबमिशन अप्लीकेशन थ्रू 4 अप्रैल 2022 तक आपको 11:59 PM यानी कि बिफोर 12 PM से आपको इस नोटिफिकेशन अप्लीकेशन को फिल कर देनी है। एट द हैंड रिटन पैड टाइप्ड फोटो स्टैट कॉपी प्रिंटेड अप्लीकेशन विल नॉट बी, यहाँ पर जो हैंड रिटन जो आप लिखते हो एंड टाइप्ड जो भी टाइप की हुई आपकी रेज्यूम होगी या फोटोस्टैट कॉपी प्रिंटेड जो भी होगी यहाँ पर अलाउड नहीं है। प्रिंटेड अप्लीकेशन फॉर्म्स विल नॉट बी अलाउड, यहाँ पर आइदर डायरेक्टली या आप पोस्ट करके या कोरियर द्वारा या इन पर्सन आप वहाँ पर अप्लीकेशन को फिल करोगे। द डिटेंट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा कब है एग्ज़ाम, कौन डेट सभी अनाउंस कर दिया जाएगा। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन के जो लास्ट डेट है उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट गवर्नमेंट या तेलंगाना hsc.government.in में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि एप्लीकेशन किस एग्जामिनेशन डेट सभी आपको उसमें पता चल जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको इसके रिलेटेड वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने दिए गए हैं ये देखेंगे, एंड
इसके जो क्वालिफिकेशंस है, वैकेंसीज कितने दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ये पूरा डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड हम यहाँ पर देखेंगे जो क्वालिफिकेशन होगी प्रिस्क्राइब जो भी बताया गया इसके रिलेटेड, वो क्वालिफिकेशन भी हम नेक्स्ट सेशन में इसके रिलेटेड सभी जानकारी आपको दे देंगे। एज लिमिट्स क्या होगी, एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस प्रकार का होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या कौन सी सबमिट करनी चाहिए, इंटरव्यू क्या है, ये सभी रिजर्वेशन कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शन सभी आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, क्या है प्रोसेस, ये सभी आपको नेक्स्ट सेशन में हम बताएं। सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा एंड शेयर करना होगा आपके फ्रेंड में ताकि सभी को इसके बेनिफिट मिलते रहे। तो ऐसे ही हम लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुँचाते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।